तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज वो फाइनली दिन आ चुका है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो शादी नहीं है, एंगेजमेंट है। तो हम लोग एंगेजमेंट में जा रहे हैं, हालांकि लेट हो चुके हैं क्योंकि ऐसे फंक्शन होते लेट ही होते हैं। और भैया भी मतलब हम लोग अभी यहाँ पे तैयार नहीं हुए, अभी यहाँ से लगभग 3-4 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाएंगे तो वहीं पर तैयार होंगे। और बाकी भैया वगैरह तैयार हो गए हैं, जो मैं तो मेरे भैया हैं और जिनकी सगाई है वो। और तो फिर चलते हैं हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे, और थोड़ा सा काफ़ी काफ़ी 150 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा गाड़ी रोक लिया है क्योंकि थोड़ा थक थक गए थे। बहुत दिनों बाद इतना लंबा सफ़र किया है। अभी फ़िलहाल फ़ोटो वगैरह भाभी भैया खिंचा रहे हैं और रजित भैया है जिनकी सगाई आज, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो सफ़र करते हुए म्यूज़िक वगैरह सुनना। और जहाँ एंगेजमेंट होगी हम उस हॉल में पहुँच चुके हैं। हालांकि पहले हम लोग घर गए, घर पे थोड़ी देर बातचीत करी, चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे जहाँ पे रिसेप्शन होगा उस रेस्टोरेंट में आए हैं हम लोग। और अभी हम लोग तैयार हो जाएंगे। भैया और भाभी तो घर से ही तैयार होकर आ गए थे, मैं और रजत भी यही रह गए थे। और रूम मिला है, फिर मतलब रूम बुक किया है, और बाकी रेस्टोरेंट नीचे जो भी हॉल वगैरह है, जो सामान वगैरह आता है शगुन के तौर पर, वो उतरवाने के लिए भैया ने भेजा मुझे कि जहाँ देख लो क्या सीन है, मतलब उतरवाने के लिए सीन क्या होगा इसमें। तो वो लोग उतार रहे हैं, तो हो गया मैं तैयार, भैया भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ही हुआ तैयार, भैया में से भैया और मेरे में से कंपटीशन था, तो मैं हो गया सबसे पहले तैयार। और भैया भी हो रहे हैं, फेस वगैरह वगैरह कर लिया है। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ, फुल व्यू भी दिखाऊंगा, मतलब पूरा कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं। फिलहाल अभी हाफ नहीं है ऐसा। अंदर पूरा कार्यक्रम हो रहा है एंगेजमेंट का, हालांकि भैया और भाभी के भी, भैया का तो दिखा सकता फोटो पर, भैया और भाभी के साथ में नहीं दिखा सकता, वो साथ ही में ही रिवील करेंगे क्योंकि अभी नहीं रहेगा सही, इसलिए शादी में ही शेष रिवील होगा। मतलब साथ में जो भी इमेजेस होंगी या वीडियोज होंगी साथ में शादी के टाइम अपलोड करूँगा। फिलहाल अंदर कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ की एक बस स्नैप या सगाई हो चुकी है, अब शादी की डेट की कंफर्म कर रहे हैं। मतलब बात हो रही है कि अप्रैल लास्ट या मई की स्टार्टिंग में है डेट, अब देखते हैं क्या बात हो रही है। फिलहाल काफ़ी देर हो चुका है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं है।